हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है हेमंत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के बारे में जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्ला देश से लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेती हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं अक्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है? प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? आंसर है अमीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितने समय का कार्यकाल होता है राज्यसभा का? तो ये होता है 6 वर्ष का। आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है जंतु विज्ञान। जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया रोग है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों और ये जो है ये श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जो आनंद मठ के लेखक हैं वो कौन है? इसका आंसर है बंकिम चंद्र। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो किसके जो है वो शासनकाल के दौरान? आंसर है बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कानून पर किताब मिताक्षरा किसने लिखी थी? आंसर है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। नेक्स्ट है,
स्वेज नहर किस वर्ष में पहली बार खोली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है आयरन, जो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये है आंसर आयरन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और प्लीज़ लाइक कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।